भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने जारी की है BH सीरीज की नई नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत पहले क्या होता था कि हम किसी और राज्य में ट्रांसफ़र हो जाते थे तो हमको बार बार वहाँ की NOC लेनी पड़ती थी, और वहाँ हम अगर एक साल से अधिक रुकते थे तो वहाँ के राज्य की रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर प्लेट हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता। जैसे अगर हम पहले महाराष्ट्र में रहते थे और हम फिर दिल्ली शिफ्ट हो जाते तो हमें MH से फिर DL के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो ये अभी इसी पूरे प्रोसीजर में लोगों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो सरकार ने नई सुविधा निकाली है जिसके अंदर नई रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जिसकी सीरीज होगी BH, और BH का एक ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, नंबर प्लेट है वो कुछ इस तरह दिखेगी आपको। सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ईयर, फिर उसके बाद BH, और उसके बाद होगा 4 डिजिट के नंबर, और लास्ट के दो कोई भी दो A to Z के अक्षर रहेंगे, और इस तरह से ये नंबर प्लेट आपको रोड पे दिखने को मिल जाए। पहले क्या होता था कि हम जब भी स्टेट चेंज करते थे तो हमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती थी। महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था, फिर हम अगर शिफ्ट हो जाते थे दिल्ली में तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था। अब वो झंझट खत्म हो गई है और भारत सरकार ने एक ही नंबर प्लेट अप्लाई करने का कह दिया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है और वो बार बार उसकी पोस्टिंग अदर स्टेट में होती है तो उनको ये समस्या रजिस्ट्रेशन के चक्कर झंझले में नहीं पड़ना। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 15 सितंबर 2021 के बाद। तो अभी जान लेते हैं कि किन लोगों को अप्लाई करना है और किन लोगों को नहीं अप्लाई करना। फिलहाल तौर पे तो अभी ये सुविधा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स के लिए जारी की है, जिसके अंदर जिनको जिनकी ड्यूटीज हर एक साल में इधर से उधर ड्यूटी हर स्टेट में चेंज होती रहती थी उनके लिए, प्लस आर्मी के ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए, डॉक्टर्स हैं उनके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है के लिए जारी हो जाएगा, इसका कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट फिलहाल अभी तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए ये स्कीम लागू हो चुकी है और ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा और हमको रोड पे ये सब नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। सभी लोग इस दायरे में नहीं आते, इस दायरे में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स ही आते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे। थैंक यू।